वैदिक मेथड ऑफ एडिशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम चलते हैं। पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर किसी भी संख्या में जीरो ऐड करते हैं तो देन वही सेम संख्या आएगी। अगर मैं मान लो कि 35 में अगर जीरो का ऐड करता हूँ, 35 प्लस जीरो करता हूँ, तो देन हमारा क्या आएगा, 35 ही आएगा। ठीक है, दूसरा कहता है कि अगर मैं 4 में से सब्ट्रैक्ट 4 करता हूँ तो क्या आएगा, जीरो। ठीक है, ये तो समझ में आता है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि किसी भी संख्या का वो ऋणात्मक हो या व्युत्क्रम हो तो उसका क्या आएगा, योग क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अगर मान लो जैसे कि इसी में ले लो कि अगर मैं इसको कर दूं -4 और सब्ट्रैक्ट करूं 4 तो क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। तो वही यहाँ पे कह रहा है किसी भी संख्या का व्युत्क्रम हो या वो सेम संख्या हो तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अगर मान लो कि दो इवन नंबर है, ठीक है, दो इवन नंबर है जैसे कि 2 + 4 तो क्या देगा, ये इवन नंबर 6, ये इवन तो 6 देगा। ठीक है, और दो ऑड नंबर हो तो इवन और ऑड सर 7, ये इवन है, ये भी इवन है ना, वो दो ऑड है, सॉरी ऑड, ये ऑड है, ये ऑड है, तो क्या देगा, ये ऑड, 5 to 8 इवन देगा ना, ये ऑड नंबर है ना, 3 ऑड है, 5 ऑड है, इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या देगा, ये इवन देगा। ये आगे आपको काम देगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर, ये भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। ये ऑड है, ऑड है, तो क्या आएगा, इवन। नेक्स्ट 7 + 4 ये क्या है, ऑड नंबर है, ऑड, और ये है इवन, इवन, दोनों मिलके क्या देगा, ऑड और इवन, इवन ही देगा। even. क्या देगा, नहीं सॉरी, इवन, ऑड देगा, हमेशा ऑड देगा, ये ऑड इवन। अगर दो जगह देख लो कि एक जगह ऑड है और इवन ऐड करना है तो वो क्या देगा, हमेशा ऑड देगा। 7 + 4 क्या होता है, 11, आप चेक भी कर सकते हो। 19 + 4 करो 23, ठीक है, 31 + 8 करो, या फिर 31 + 8 करो तो क्या आएगा, 39, 43 + 47 + 4 करो क्या आएगा, 51। ये सब क्या है, ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है। मैंने आपको चेक करके बता दिया, किसी भी संख्या में आप करोगे तो क्या आएगा, ऑड, और अगर इवन हो तो क्या देगा, ऑड नंबर, ऑड। अब ये क्या है, ये दोनों ऑड है तो ऑड हमेशा क्या देंगे, ऑड ही देंगे। एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे ये हमारा क्या है, दोनों ऑड है, ऑड है तो ऑड अभी हमने जस्ट लिया था 7 + 3 क्या देगा, 10, 9 + 1 = 10, ठीक है, 17 + 5 = 18, हमेशा ऑड ही देगा, वही मैं कह रहा हूँ कि ये ऑड है और ये ऑड है तो दोनों देन ऑड ही देगा। अब इवन में चलते हैं, इवन दोनों इवन होगा, टू इवन है ना सर, हाँ टू इवन है और 4 इवन है तो क्या देगा, वो इवन ही देगा। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, 2 4 3 4 2 8 7 6 4 स्क्वायर कीजिए, 1 5 3 4 1 5 3 4 कैसे किया, 7 + 3 = 10, 10 + 4 = 6 + 4 = 10, 10 + 13 = 3, 13 ठीक है, 8 + 2 + 4 + 1 = 15 हो, वेरी गुड। इसमें बट एक चीज ध्यान देना, हम जो एडिशन करेंगे उसमें कैरी फॉरवर्ड को या तो हम डॉट के रूप में लिख सकते हैं, डैश के रूप में लिख सकते हैं, कॉमा के रूप में लिख सकते हैं, इस तीनों का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा ये सिमिलरली आपने जैसे बताया 7 + 3 क्या होता है, 10 होता है, ये तो हम जानते हैं।
तो हम क्या करेंगे, जहां भी 10 आएगा वहां हम डैश लिख देंगे। इससे हमें क्या होगा कि कैरी फॉरवर्ड में हमें आसान होगा। अब देखो 7+3 क्या हो गया 10। अब एट इज बचा क्या 4, तो हम सीधा यहाँ 4 लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं। 6+4 क्या होता है 10, हमने डैश लिख दिया। ये 2 और ये प्रीवियस का ये डैश था, तो 3 हो गया यहाँ पे। अब 8 और 2 क्या होता है 10 और ये 4 है और प्रीवियस का ये डैश 5 हो गया, तो यहाँ हम 5 लिख दिए। अब ये डैश बचा था, तो वो डैश हम किसको इंडिकेट करते हैं, 1 को, तो यहाँ 1 आगे लिख दिया। ठीक है, समझ में आया। 3, 4, 7, 5, 6, 8, 4, 3, 8। ये तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पेयर में ही आए, वो अनपेयर भी तो आ सकता है। देन उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो भी हमें जानने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। 1353 कैसे किया, 7+8 क्या होता है 15, 5+8 5+8 13 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 6+4 10 और ये 3, 4, 5 हमने 5 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो 3+5 8 8 और 4 12 + 1 13 तो हमने 3 लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा 1, दैट इज आ जाएगा। ये समझ में आया कैसे करना है? हाँ सर, हमें माइंड पे प्रेशर नहीं देना है, अगर हम बना रहे हैं देन हमें करते हुए निकल जाना है। हमने क्या किया, इसमें डैश देते हुए चले गए, जो हमारा एट इज बचेगा वही आएगा लास्ट। ठीक है, जो बचेगा इसमें 6, 4, 10 हो गया, ये 3, 4, 5 यहाँ पे ये डैश हमने दे दिया। जैसे ही 10 बनेगा, जहाँ भी 10 बनेगा वहाँ हम क्या करेंगे, या तो डॉट का यूज करो, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, डॉट यूज कर सकते हो, कॉमा का यूज कर सकते हो और स्लाइड का भी यूज। ठीक है, वो अपने हिसाब से कैसे भी ले सकते हो आप। ठीक है, यही आ रहा है। 1, 5, 1, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 5, 8, 8, 3, 11, 1, 6, 4, 10, 6, 4, 10, 2 और 2, 4 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दिया आपने? सर। या फिर ऐसे कि 6+2? नो सर, 2 + 4 + 6 = 10। वेरी गुड। ठीक है, और ये हमारा डैश था, हमारा 1 आ जाएगा। 7+3 = 10 + 4 = 4 और 1 = 5 और ये डैश हमारा आ जाएगा। देन इसमें भी उसी तरह 4+3 = 7 और ये हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज, हमेशा बड़े नंबर में छोटे नंबर को ऐड कीजिएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट बिगर नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर को ही यूज कीजिएगा, उससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा और कैलकुलेशन भी फास्ट होगा, नंबर ऑफ काउंट भी कम करना पड़ेगा। आप हमेशा देखते होंगे कि 4+3 लेता हूँ मैं, 3+4 कभी नहीं लेता। ठीक है, तो 4+3 = 7, 7+5 = 12, 2 आ गया, 5, 3 + 5 = 10 ये डैश यहाँ आ गया। ठीक है, 6+4 = 10, 4 और 1 = 5 और ये डैश वहाँ था, ये हमने लिख दिया। ठीक है, 7+4 = 7+3 = 10, 4 = 14 तो 4 ये एग्जैक्ट आ जाएगा, 8+2 = 10, 4 और 1 = 5, 7+3 = 10, 5 और 1 = 6, 6 और 6 = 1, 7 सर। ये समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है,